₹10 का रांची का सबसे बड़ा बाजार नाम कैसा लगा? ठीक लगा ना? इतना बड़ा बाजार है नाम कुंभ, तो हम लोग आज आ गए हैं। कहाँ है? नाम कुंभ बाजार। वाओ जी, कहाँ है वो बैगन ये देखे मूलिया को? गाजर देखो, इतना बड़ा बाजार है नामकुम वाला, रांची का सबसे बड़ा बाजार नामकुम और सबसे सस्ता बाजार। सबसे सस्ता भी है। हाँ, फिर किस लिए बनाई? सस्ता बाजार था। अच्छा, क्या दोस्तों, ये है नामकुम बाजार जो कि सबसे विशाल क्षेत्र में लगता है और यहाँ पे सबसे सस्ता भी है क्योंकि आसपास में बहुत ही लोग खेतीबाड़ी करते हैं, तो जो सब्जियाँ हैं मूलतः ग्रामीण क्षेत्र नहीं, मतलब सस्ता में यहाँ पे मिलता है। गोभी, गाजर बहुत आयत मात्रा में है, सब कुछ बीट फल, अरे अनार तो बहुत सस्ता है, 100 रुपये किलो है। ब्रोकली, गोभी, कैबेज, गाजर, बस ये बेर है सरस्वती पूजा में इसका उपयोग होता है। 25 बोले जूस बनाने के लिए। एक किलो गाजर दीजिए। इधर दीजिए। 3 पाव किलो ला दो रे। दो किलो, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो दीजिए। 440। क्या दोस्तों, ये झाड़ू लोकल झाड़ू कैसे है? लेगी ये सब दोरी, बड़ा वाला दोरी सूप है, ये है, ये वाला टोकरी कितना अच्छा है ना, है? ये वाला क्या चाहिए, क्यों कर चाहिए तुमको झाड़ू? झाड़ू करने के लिए। मिर्च ले लो ना, मिर्च कैसे? 15 रुपया पाव लेना है, कितना लेना है? 10 रुपये पाव। कहाँ ₹10 के एक पाव। 47 रुपये किलो रही है। हम देखो धनिया लेना है, बंधा रहा मुट्ठी बड़ा बड़ा, कैसे मुट्ठी? 10 रुपये मुट्ठी है धनिया, लेना है ले लो। 5 का है, 5 का है, देख लो तुम्हारे लायक है तो ले लो। 5 वाला कौन सा है? बड़का बड़का वाला, डंटी वाला। सलजम कैसे? 40, पिछला सप्ताह 25 ले गए थे। पालक कैसे? 40 दरी। कहाँ है वो लाल साग? ले लो, बढ़िया है, एक मुट्ठी ले लो। और लेगी? नहीं, 1 किलो दे दो। 10 चना साग लेगी? ये कौन सा साग है? ये कौन सा खेसारी? अरे खेसारी मत खाना। ये नहीं ले रहे। इसको और इसको मिला के 1 पाव दे दीजिए। इसको भी मिला दीजिए साथ में। 1 पाव कर दीजिए दोनों को। हाँ,
अरे रखो ना, 2 मिनट हाथवा में रखो ना। देख साग यहाँ भी है। देखो बैर तुमको जहाँ पसंद आएगा ले लेना। एक किलो दे तो सब बिक गल। यही वाला था रे, बड़ा बड़ा था लगता। तो बिका कि नहीं भैया? बड़के बड़के देना, तू ही चुन के देना, हम वीडियो बनाएंगे। नहीं चुन के तो है। हमारा पास चुने का टाइम ना। अरे हम सब्जी लगे ले आलू ना। दारी होता है समाप्त, अब हम लोग चलते हैं अपने घर। लेना है दोस्तों बैर, चुन के लो बैर। बैर मतलब चुन के लेने वाला चीज है। ये फूल 30 रुपया पाव डंटी के साथ। ओ वैसे वाला और इसके साथ डंटी के साथ 25-20। हम अपने से बता दिए रेट। अरे वो बस वो दिखाए, ये दिखाई दीजिए तो। ये लंथर डंटी है, डंटी नहीं है। चाइनीज पिछला बार तोरे से ले ले लियो। कौन बैंगन ना, चल ना बैंगन बोला था, मना किया था इसे भी। ठीक है देखो ना, आप लोग हैं उसके लिए तो बिजनेस है। कैसा लगा? ठीक लगा ना? देखिए दोस्तों हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम घर की ओर चल रही है। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं धूप एकदम नहीं है, बारिश वाला मौसम है, ठंड भी लग रहा और भीड़ आज काफी ज्यादा था इसी मौसम के कारण। गुपचुप खाओगे? बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। गुपचुप खाओगे? नहीं। वाह ये देख सकते हैं आपके यहाँ साइकिल और देख लो गुच्छू वाला पास है, बोलेगी तो 10 रुपया खिलाएंगे, 2 पीस तुम 2 पीस हम। नहीं बोलो, नहीं खाना मुझे, मुँह मीठा हो गया मेरा। ये देखिए दोस्तों अभी हम सदाबहार चौक में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी लिया, घर का चौक है, ये गाड़ी लिया है, कोई पूजा करा रहा है। आपको जब भी हमारे घर आना हो तो पहले आप इस चौक से गुजरिए। अगर इधर से नामकुम से आओगे तो नामकुम से ही आएंगे। और ये हमारा छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ काफी भीड़ रहती है। अगर पुताई कॉलोनी होके आएगा तो ये चौक थोड़े ना आएगा। देख सकते हो हमारा मार्केट इधर बहुत अच्छा है, बगल में। हाँ बगल में ही है, आगे एक स्कूल खुला है। आपको यहाँ ऑटो मिल जाएगा, आपको रांची जहाँ भी जाना है, फिरायाडाल, लालपुर। ये देखो ब्लॉक है ना, ये नामपुर ब्लॉक है। देखिए अब मैं आपको एक स्कूल दिखाऊंगी जो कि बहुत ही बड़ा है, न्यू स्कूल खुला है। ये
देख सकते हैं दोस्तों हमारा घर पहुंच चुका है। हमारा घर ये बीचों बीच इस अपार्टमेंट के बीच में पड़ेगा एकदम बीच में। आपको यहाँ रेंट पे रहना है तो आप आ सकते हैं, बहुत ही सस्ता रेंट है, 8 से 10 हजार तक। महंगा है, उतना तो फैसिलिटी भी दिया जा रहा है इनको।